देखिए जो आप लोग अपने इस गोसी नंगला में जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, इसकी जो वीडियो बन रही है, आप सभी बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देखने के लिए ऋषि यादव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपने गांव की वीडियो देखें। और दूसरा चैनल हमारा है कल्पना चैतन्य चैनल, उस चैनल को सब्सक्राइबर करें, उस पर भी अपनी वीडियो देखें अपने गांव की। सुबह सुबह आपके गांव की वीडियो इन चैनलों पर पड़ जाएंगी। तो सभी भक्त तालियां बजा करके बोलें। माता तालियां बजा लियो अम्मा। सोचता है मेरे से बराबर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर कोई पैसे में कमजोर है तो उसे बात भी नहीं पूछता। बातचीत मत कीजिए, यहाँ से उठ जाइए। सभ्यता का परिचय नहीं दीजिए तो अच्छा रहेगा। अरे नकसे में चकना चूरा भाई दया जानो कोई ससुरा लिया। लंका थी वो भी इस दुनिया से चला गया। भगवान श्री राम से अवतारी इस दुनिया से चले गए, श्री कृष्ण से अवतारी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो हम और तुम कौन से खेत की मूली है।
न जाने कब उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे, इसलिए कहना है तालियां बजा करके बोल ले। अरे नकसे में चकना छुरवाई दैया जाना तो सपोटिया हर इंसान से प्रेम करे वही अच्छा है, हर इंसान से प्रेम करे वही अच्छा है, नफरत में कुछ नहीं रखा है। लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखना, चाहे कितना भी प्रेम करो, चाहे किसी के लिए अपना कलेजा निकाल करके रख दो, लेकिन अंत समय जब आएगा तो कोई किसी के साथ जाएगा ही नहीं। पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, सात भामरे पड़ती है जब जिस समय शादी होती है, वचन दिए जाते हैं, लेकिन अंत समय जब आता है तो पत्नी कभी पति के साथ नहीं जाती, ना पति पत्नी के साथ जाता है। तो महाराज और सब छोड़ो, बेटी छोड़ो, बेटा छोड़ो, यानी कि सब कुछ छोड़ो, अपने शरीर के तरफ आ जाइए। और क्या चीज जा सकती है साथ में, जो शरीर रात और दिन हम धोते हैं, इसे नहलाते हैं, तेल फुलेल लगाते हैं, अंत समय जब आता है तो ये शरीर भी जमीन पर पड़ा रह जाता है और आत्मा अकेली ही निकल करके चली जाती है। शरीर भी हमारा साथ अंत में नहीं देता है और क्या दे सकता है, इसलिए कहना है क्या, अरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की और इसी